guys, welcome back to my channel. I hope you all are good and safe. So today I'm going to show you some very good homemade product which is good for skin. आप लोग सभी को ये देखते हैं कि कोरियन गर्ल्स, जापानीज गर्ल्स, उन लोगों का स्किन एकदम क्लीन रहता है, एकदम ग्लोइंग रहता है. आई विल नॉट से कि कलर चेंज करेंगे, क्योंकि हाँ, मैं जो प्रोडक्ट आप लोग को दिखाने वाली हूँ उसमें से आपका फेयरनेस ज़रूर आएगा, बट मैं फोकस वहाँ पे नहीं करूँगी. बिकॉज ऑफ वाई कि डजेंट मैटर, कलर डजेंट मैटर, चाहे आप डस्की हो, चाहे वो आप बहुत फेयर हो, चाहे आप मीडियम हो, हम लोग कुछ भी कलर कैरी कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन हेल्दी होना चाहिए एंड वेरी ग्लोई होना चाहिए एंड स्मूथ होना चाहिए. तो उसी प्रोडक्ट के लिए मैं आपका वीडियो आज बना रही हूँ. आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना. वहाँ पर छोटू सा बेल आइकन है, वहाँ पर प्लीज़ प्रेस कर देना एंड ऑल में करना, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ही मैं लूँगी इस चीज़ को बनाने के लिए कोकोनट ऑयल. मैं निहार का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका स्मेल बहुत अच्छा है. सेकेंड जो चीज़ है वो है एलोवेरा जेल. मैं कपीवा का प्योर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो. एंड चाहिए दूध, जो एकदम रॉ मिल्क होता है वो, एंड उसके साथ एक खाली कंटेनर खाली होना चाहिए प्रोडक्ट को वहाँ पे स्टोर करने के लिए. एंड मैंने ले लिया एक बर्तन, मैं गैस में चढ़ा दिया. अभी इसके अंदर मैं दूंगी 2 स्पून राइस इसके अंदर देना है और अच्छे से इसको बॉईल करना है. तो 2 स्पून राइस को मैं अच्छे से पहले धो लिया था, मैंने राइस को पहले से ही. एंड मैं 2 स्पून दे रही हूँ, नॉट फॉर ज़्यादा, 2 स्पून इनफ. एंड उसको मैं अच्छे से बॉईल करूँगी. एंड देखो मैं अभी बॉईल कर लिया है, मैं छान लिया पानी एंड छान के मैं एक मिक्सी के अंदर मैं डाल रही हूँ. अब देख सकते हो ये बहुत नरम हो चुका है और मैं अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी. आफ्टर ब्लेंडिंग आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एकदम स्मूदी सा, एकदम पूरा अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है. अभी इसको हम लोग छकनी से छान लेंगे. आप नहीं भी छान सकते हो, बट छान लेंगे ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा हार्ड प्रोडक्ट रहता है तो वो छान के अच्छे से हम लोग जो नरम प्रोडक्ट है वो हम लोग ले पाए. तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा छान लेंगे तो वो अच्छा है. आप देख सकते हो मैं कैसे छान छान के जो सॉफ्ट प्रोडक्ट है वो मैं ले रही हूँ, जो थोड़ा सा पेंडिंग पेस्ट है वो मैं नहीं ले रही हूँ. जो एकदम लिक्विडी पेस्ट है वो ले रही हूँ, जो थोड़ा हार्ड है वो मैं नहीं ले रही हूँ. नाउ आई एम एडिंग रॉ मिल्क. यू कैन पुट 3 स्पून और 2 स्पून हाफ, ज़्यादा ही थोड़ा सा यूज़ करना. एंड उसको अच्छे से फेंटना, जैसे दही को फेंटता है वैसे अच्छे से फेंटना है. अब हम एडिंग एलोवेरा जेल एंड कोकोनट यू नो ऑयल. अच्छे से कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना ताकि क्रीमी इफेक्ट ज़्यादा आए. देन अच्छे से फेंट लिया एंड यू कैन सी गाइस, इट्स ऑलमोस्ट वेरी क्रीमी एंड दैट्स इट. थोड़ा सा फिल कर लिया, आप देख सकते हो. अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी एंड इसको आप 7 to 10 days स्टोर कर सकते हो, मगर टाइट कंटेनर टाइट होना चाहिए ताकि हवा पास ना करे. साथ साथ जब भी फेस पे लगाओगे आप नेक पे एंड हैंड्स पे ज़रूर लगाना, और जहाँ पे आप लोग का ब्लैकहेड ज़्यादा है, आई मीन्स एल्बो एंड अंडर आर्म्स. अगर किसी का भी ब्लैकहेड ज़्यादा है, ब्लैक टोन ज़्यादा है अंडर आर्म्स में, बहुत किसी का होता है ब्लैक टोन एंड एल्बोज़ में, या फिर बहुत किसी को होता है कि बैक नेक पे, अगर वह सब जगह में होगा तो देन वहाँ पे अच्छे से लगाना. डू स्क्रबिंग एंड 15 to 20 minutes आप रखो, देन धो. हे गाइस, आप देख चुके हो मैं फेस पे वो पैक लगा चुकी हूँ, जब मैं फ्रिज में रख दिया था एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई एम यूजिंग. आप देख सकते हो पूरा क्रीमी एकदम स्ट्रक्चर आ चुका है, एकदम पूरा क्रीमी. I will show you and it's so good. मैं यहाँ पे एक बार लगा के दिखाती हूँ आपको, पूरा क्रीमी इफेक्ट है. या
एक दिन छोड़ छोड़ के लगाना गाइस, आप लोग जब भी लगाओगे एक दिन छोड़ छोड़ के लगाना, ठीक है। डेली मत लगाना, आज लगा रही हूँ कल नहीं लगाएंगे, फिर परसों लगाना ऐसे। एंड फ्रिज में हमेशा ये इसको रखना, ठंडा ही रखना होगा, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। एंड जब भी इसका पॉट जब आप लगाओगे, आप ये ध्यान से ज़रूर रखना कि कोई एयर पास ना, प्रॉपरली टाइट में आप फिक्स कर लेना एकदम, ओके। एंड सी मैं लगा चुकी हूँ, मैं थोड़ा नेक में भी लगाऊंगी, बिकॉज मैंने आप लोगों को भी बोला था कि हमेशा जब लगाओगे फेस के साथ नेक एंड कान ऑलवेज बी यू नो सेम होना चाहिए कलर, नेक का कलर अलग एंड काल का अलग, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड द थिंग इज आप ये कलर के लिए यूज़ मत करो, वी आर लव टू आवर ओन कलर। आप अगर डस्की भी हो नो प्रॉब्लम, डजेंट मैटर कलर, ओके। द थिंग इज हेल्दी स्किन, प्योर स्किन, क्लियर स्किन एंड वेरी ग्लोइंग स्किन। एंड यहाँ पे अगर कोई किसी का एक्ने का प्रॉब्लम हो या फिर डार्क स्पॉटेड हो, ये सब कुछ चीज़ों में ये हेल्प करता है। ये कलर में बहुत इफेक्ट होता है, ऑफकोर्स इसमें आपका जो स्किन है वो बहुत निखर के बाहर आ जाता है। सो गाइस 20 मिनट हो चुका है और मैं फेस को अच्छे से धो कर आई हूँ। सी द रिजल्ट कि मैंने 20 मिनट्स लगाया, उसमें से मेरा स्किन ना बहुत स्मूथ, आप लगाओगे तो पता चलेगा। ये कोई झूठा कुछ नहीं है, मैं चाहती तो मैं ऐसे थंबनेल में कुछ ऐसा पिक्चर दे के आप लोगों को आई कांटेक्ट करवाने के लिए ऐसा कुछ पिक्चर देते कि यहाँ पे देखो गोरी हो गई, यहाँ पे देखो काली थी, ये गोरी हो गई, ये सब बहुत कुछ कर सकती थी, मगर मैं ये सब फालतू की चीज़ करूँगी नहीं। जो चीज़ मैं करके मुझे फ़ायदा हो रहा है वही चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी, बिकॉज ये इट्स रियली वर्क। आप लोग करो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका स्किन एकदम एक दिन में या फिर एक महीने में एकदम झकास हो जाएगा, तो फिर कोई किसी का भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होता लाइफ में, अगर ऐसा होता तो। बट थिंग इज़ अगर आप कोई भी चीज़ रेगुलर यूज़ करोगे तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके स्किन या फिर आपके शरीर में पड़ता है। बट थिंग इज़ आपको वो रेगुलरली करना है। बहुत कोई होते एक दिन करता है, दो दिन करता है, तीन दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ते के बाद उसको लगता है मुझे तो रिजल्ट आया नहीं, ये फालतू चीज़ें मैं करूँगी नहीं। बाबा कोई चीज़ करने के लिए आपको मिनिमम वन मंथ आपको ट्राई करना पड़ेगा, मिनिमम वन मंथ करके करने के बाद आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीज़ मेरे स्किन पे सूट कर रहा है तो आई कैन कंटिन्यू। अगर सूट नहीं भी करता है वो भी आप समझ पाओगे कि ये चीज़ मेरे स्किन पे नहीं कर रहा है सो मैं ये कंटिन्यू नहीं करूँगी। सो मैं लगाया, देखो मेरा स्किन बहुत क्लियर है, थोड़ा सा कोई आ गया था इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। सो आप यूज़ करो देखो, एंड आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आफ्टर वन मंथ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा एंड आपका स्किन भी ग्लो होगा। मेरा भी थोड़ा एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है स्किन में, बट इट विल गो स्लोली स्लोली बिकॉज आई एम यूजिंग सो मेनी मेकअप प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज, मुझे अलग अलग प्रोडक्ट दिखाना आप लोगों को पड़ता है एंड बिकॉज आई एम ए डांसर आई हैव टू डू सो मेनी डांस परफॉर्मेंस, सो आई हैव टू डू मेकअप सो मच, सो दैट्स वाई एक्ने का प्रॉब्लम आ रहा है, इट विल गो। सो चलो आप लोग भी करो इसको करके, ऐसे यूज़ करके देखो एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कैसे लगा वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।